माध्यम से माननीय अंदर माननीय वाइस पठान साहब यदि खानवर आसन साहब विनती करते हैं आप माननीय वाइस पठान साहब बहुजन वंचित अघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान मजलिस जहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान आमदार इंजीनियर जलील साहब गफ्फर कादरी साहब वकार महमूद साहब इतने वर्षों से 70 वर्षों में हमको संविधान दिया विश्व रत्न स्वर्ण रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस संविधान की शपथ लेकर संविधान को मानते हुए हजारों लाखों लोग कुर्सियों पर बैठ गए सत्ताओं में आ गए सत्ताएं संभाल ली राज्यों में आकर के हमारे संविधान का भला बुलाया जा रहा है हमारे संविधान जो आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था उसकी धज्जियां उड़ाने का काम ये सरकार कर रही है भाजपा पार्टी ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है इसलिए इकट्ठा हुई है कि हमको संविधान को बचाना है किसी भी कीमत पर हमको हमारे संविधान की रक्षा कर रहा है इसे देखा भी गया है कि अगर बच्चों से सबने राज किया सब राज्यदार की कुर्सियों पर बैठे कांग्रेस राष्ट्रवादी को देख लो ये भाजपा शिवसेना को देख लो ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है याद रखना ये बात एक चोर है एक महाचोर एक दिन में डकैती करता है ना तो डकैती होता है ये सामने से बात करता है दूसरा पीछे से बात करता है दोनों मिली मदद में काम कर रहे हैं 70 वर्ष से कभी भी हुए मुसलमानों का हमारे गरीब भाइयों का न सोशल इंपॉर्टमेंट किया न एजुकेशन में इंपॉर्टमेंट किया न पॉलिटिकल इंपॉर्टमेंट किया हमेशा से हमको सिर्फ एक वोट बैंक समझा आपका हमारा वोट लिया इकतदार की कुर्सी पर आकर बैठे मगर आपके लिए कुछ किया हमारे लिए कुछ किया किसी के लिए हमने कुछ नहीं किया किया तो सिर्फ अपने आपके लिए किया अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया अपनी जो पढ़ने के लिए काम किया बाकी नहीं मेरे सही भाई के लिए कुछ काम किया नहीं मेरे सलमान भाई के लिए कुछ काम किया नहीं मेरे भारत के लिए कुछ काम किया आज भाजपा की सरकार महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ सत्ता में बार बार इनका कह रहा है सबका साथ सबका विकास मगर जो रिजर्वेशन देने का वक्त आ गया तेरे को मैं बता दूं किस तरह से धोखेबाज लोग हैं तीन कंपनी की रिपोर्ट है कांग्रेस के राज्य में भी महबूब रहमान कमेटी थी सच्चर कमेटी थी मिश्रा कमेटी थी सब रिपोर्ट के ये कहा था कि महाराष्ट्र का जो खास का मुसलमान है वो पिछड़ा हुआ वर्ग है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है उसको एजुकेशन में जॉब में रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए मगर 15 वर्ष कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही पृथ्वीराज चौहान के टेबल पर पूरा जो रिपोर्ट मौजूद था मगर जाने वक्त पूरे 15% रिजर्वेशन जॉब में दिया 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया कोई भी पक्का लाया था कोई पक्का कानून नहीं बनाया हुआ ये जब बैठा हाईकोर्ट में गया उच्च न्यायालय में गया उच्च न्यायालय में हटा के जॉब का रिजर्वेशन खारिज कर दिया रिजर्वेशन का आप एजुकेशन में दे सकते हो मगर जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई तो वो भी नहीं बना रहा रिजर्वेशन को भी नहीं किया हमारे बड़ा का भाइयों को रिजर्वेशन दिया कोशन नहीं है रिजर्वेशन मगर साल की तरह हमारी मांग की अपने समाज वाले को रिजर्वेशन मिलना चाहिए अब उनको भी रिजर्वेशन दो उन्हें समाज को रिजर्वेशन चाहिए उनको भी रिजर्वेशन दो वरना ये 15 बात करना सबका साथ सबका विकास का
आज हुक्म यह है कि अगर हमारा कोई मुसलमान भाई या गरीब भाई अगर कोई ट्रक के अंदर 3.5 किलो गोश्त लेकर जाता है तो उसे पकड़ लेकर जाता है, क्या हमारे भाई कहने से जिसको आप ये लेकर जा रहे हो उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, रस्ते पर मारा जाता है, गौ रस्ते आके मारते मार डालते। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास इतना है, अरे 3.5 किलो एक आ गया तब तुम सो रहे थे क्या? अरे मोदी जी 350 को आप पकड़ लेते हो, 350 भीरो को नहीं पकड़ सकते हो आप, या यही आप की राय है? ये झूठे ढोंग निकालना छोड़ दो। आज देश का एक एक नागरिक समझदार हो चुका है और अब वक्त आ चुका है कि ऐसी सरकारों को उठा के फेंक देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को दिया है उस संविधान में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होगी है वो है वोटिंग का राइट दिया है तो आपको मेरे को सबको हमारे वोटिंग राइट से हम अगर हमारे वोट से किसी को चार की कुर्सी पर बिठाने की ताकत रखते हैं तो भाइयों समझ लो उसी वोट को यूज करकर हम उसको कुर्सी से उठा के जाप मारने की ताकत भी रखते हैं। याद रखिए हमारे आपके संविधान के अंदर पावर है। चाहे मैंने जैसे देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो देश की तो सत्या में भूली है तो समझ लो बात। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर ये चाहे मैंने देश का प्रधानमंत्री बन जाता है बन सकता है तो जिसने संविधान दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या उनका भविष्य देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? Yeah.